So after packing the little one's lunch, I got on to my breakfast where I made my pudding. Subha, although this should have been done the previous night, but it's okay. So some rolled oats and nuts, chia seeds, I soaked them in some milk. This is cow's milk. We get it fresh in the morning. So that's what I'm gonna do. And this is the best if you do it a night before. But yeah, I'm gonna keep it in the fridge right now because I have a lot of time. It's hardly 6 o'clock in the morning. So I'm gonna keep it in the fridge. And by the time it cools down and get some texture, we'll be all set after that. So yeah, don't put too much of milk. This one is sufficient, and we'll put it in the fridge now. It's going to be a very, very busy day for me. There's so many chores to be completed. So in this particular smoothie, I have put a few dates and half a banana as well. Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. और आज मैं कल दिल्ली से वापस आई हूँ. सो दिल्ली से वापस आके आई हैव बीन सो एग्जॉस्टेड बिकॉज मैं एक दिन में लाइक आई वेंट एंड आई केम बैक. लाइक सुबह गए, अगले दिन सुबह वापस. सो बहुत सारा बहुत थकान हो गई थी. टुडे आई फील अ लिटिल बेटर. तो मैंने आज सोचा सुबह सुबह व्लॉग कर लेती हूँ. दिल्ली के एक दो व्लॉग्स आएंगे. आज का दिन थोड़ा सा प्लान्ड है. मैंने कुछ अमेजोन से मंगाया था, मुझे उसे इंस्टॉल करना है. तो आज मैं अभी आपको दिखाती हूँ. सो मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. मतलब मैंने कुछ अमेजोन से लिया था, उसकी अनबॉक्सिंग करनी है. तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है एंड उसको हम कैसे करेंगे. सो दिस इज़ द पैकेज दैट आई गॉट एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड. वी विल गेट बैक टू इट लेटर. ओके, सो आई एम वेयरिंग दिस एब्सोल्युटली कम्फी ड्रेस. ये ना वेस्ट साइड से है और ये सूती कॉटन कुछ है. बहुत ही ज़्यादा स्किन फ्रेंडली मटेरियल है. इसमें ना पॉकेट्स नहीं है. द ओनली थिंग दैट्स मिसिंग इज पॉकेट्स. अच्छा, और अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है. सो हॉल वीडियोज़ भी मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. स्टाइलिंग वीडियोज़ एंड प्लस गेट रेडी विद मी वीडियोज़, जिसकी तो बहुत रिक्वेस्ट आती हैं. तो आई एम गोना बी डूइंग ऑल ऑफ दैट. सो ये जैम पैक्ड कमिंग मंथ जैम पैक्ड रहने वाला है. आज तो पहले अपना ये कर लेते. और हाँ, एक और चीज़, मुझे है ना अपना एक रूम है, उसको मुझे अपने स्टूडियो रूम में, एक तो मेरा शिमला वाला स्टूडियो रूम है जिसका आपने रूम टूअर, यू मस्ट हैव सीन दैट रूम टूअर, जिसमें द रूम दैट आई हैव इन शिमला. सो इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो, आई एम गोइंग टू लिंक इट समवेयर हियर, तो आप देख लेना. बट इन दिस हाउस आई हैव स्टिल नॉट फिगर्ड आउट वॉट टू डू एंड दैट रूम लुक्स अ लिटिल मेसी. सो आई एम शर्किंग फ्रॉम स्टार्ट वर्किंग इन दैट रूम. तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो अभी सीजन सेल्स आने वाले हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट्स पे. तो मैं कुछ रूम डेकर मंगवा के एंड आई विल स्टार्ट डेकोरेटिंग दैट रूम. वो रूम में बहुत ज़्यादा स्कोप है. सो एंड आई लव डेकोरेटिंग प्लेसेस, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टू हैव एंड आई वॉन्ट टू हैव सम कोजी कॉर्नर फॉर माई सेल्फ इन दैट रूम ऑल्सो. वैसे तो मैंने यहाँ पर भी बनाया है. तो दैट्स व्हाट आई हैव प्लान्ड. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग. एंड अगर हो गया इंस्टॉल तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो अगर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो भी हम बाद में ट्राई कर लेंगे. बट वी गोना ट्राई. ओके, लेट्स गो. सो दिस इज द बॉक्स एज आई हैड शोन यू बिफोर. इसको अनबॉक्सिंग करने में इट टुक मी सम टाइम बिकॉज ऑफ द साइज. सो इसके ना इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आई स्टार्टेड यू नो वर्किंग ऑन इट, ऑल्दो देयर वाज सो मेनी स्क्रूज इन इट. उसके जो स्क्रूज हैं उनको टाइट करने के लिए वन वुड नीड अ स्क्रू ड्राइवर. तो मैं वो करके आई हैव डन द फर्स्ट स्टेप. और स्क्रू ड्राइवर से लेट मी सी हाउ इट गेट्स, आई विल गेट बैक टू यू. सो मुझे मेरी टूल किट, छोटी सी टूल किट है, ये मिल गई है. अब मैं आई विल बी बैक ऑन माई जॉब अगेन. तो लेट मी जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर लेती हूँ एंड देन आई विल रिकॉर्ड.
All right, guys, so this is much later in the day and this is how it looks like. Turned out really well. Initially I thought that a lot of my stuff will not be able to fit into this, but yeah, jab banne ke baad it turned out to be really nice. The quality is amazing, it's pretty sturdy and isme aapke shoes ke liye bhi space hai. You can keep your bags, hang your clothes. All right, to abhi maine काफ़ी सारी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है अराउंड दिस टाइम. आई गेट अ लिटिल साइक्ड अप एज मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स. आई एम श्योर यू कैन सी कॉलीन, और ये खाली भी हो गया है ऑलमोस्ट. तो आई हैव बीन डीप क्लीनिंग एवरीवेयर सो दैट अराउंड द फेस्टिवल टाइम मुझे ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो जाऊँ मैं. बाय द वे, एन अपडेट ऑन माई हेयर. मैंने लास्ट स्पा करवाया था लास्ट संडे एंड माई हेयर लुक वेरी हेल्दी एज यू कैन टेल. इनफैक्ट मैंने कल बहुत लंबा ट्रैवल किया है और मैंने हेयर वॉश, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश नहीं करती हूँ. आई थिंक दैट्स डजेंट सूट माई हेयर, मेक्स माई हेयर फ्रीजी. तो दिस होल स्पा, ऑल दो इट्स विच जस्ट फर्स्ट वो सिटिंग, ऑल्सो जब से मैंने बाल कटवाए हैं ना, छोटे करवाए हैं, तो वो फ्रिज पूरा निकल गया है. तो अब जितने हैं मैं उन्हीं को मेंटेन करने पे आई एम फोकसिंग ऑन दैट ओनली. और तो मैंने सोचा था इस विंटर्स में आई वांट टू हैव लॉन्ग हेयर, बट दैट्स ओके. आई मीन इतने भी बहुत हैं एज लॉन्ग एज दे आर हेल्दी. सो या, आई हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक. अभी एसी चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं अभी ना बंद नहीं कर सकती एसी, सॉरी. तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है. आई एम हैविंग दिस रॉ का कोकोनट वाटर. दिस इज़ द कोकोनट वाटर आई प्रिफर हैविंग. तो मैंने अभी ये ख़त्म किया है एंड कोकोनट वाटर बहुत रिफ्रेशिंग है. वैसे लिक्विड कैलोरीज से वी शुड स्टे अवे. 49.56 कैलोरीज है इसमें, 50 कैलोरीज है, तो विच इज़ ओके. आई एम गोना सिट हैव माई एप्पल. और गाइस, याद है मैंने आपको अपने एक स्टार्टिंग के ब्लॉग में बताया था कि मैंने कुछ प्लांट्स लिए थे, नर्सरी में गई थी. तो उन प्लांट्स का अपडेट ये है कि जो हिबिस्किस वाला प्लांट था ना, उसमें फ्लावर्स मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी, थोड़ा सा स्टॉप हो गए हैं. बट लेमन ग्रास इज गुड, ये अदर प्लांट्स ऑल्सो गुड. बट आई शो यू समथिंग, जो एरिका पाम था वेन इट केम एंड नाउ, बहुत डिफरेंस है. डोंट माइंड द मेस बिहाइंड, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आई जस्ट शो यू. ओके गाइज, डोंट माइंड द मेस, लुक एट दिस. सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स. मैं आपको दिखाती हूँ अपना एरिका पाम. लुक एट दिस बेबी, लुक एट दिस, दिस इज लाइक ग्रोइंग ह्यूमंगसली. और ये इतना टचवुड इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है ना ये बेबी. मतलब मैंने इसको एक कॉर्नर में लगाया था कि चलो थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा. इसको देख लो, बस इसकी हाइट देख लो एक बार. लुक एट द हाइट, ये सारा अभी न्यू है. मैं आपको इसका फ्रेश वाला वो दिखाऊँ जो अभी बिल्कुल फ्रेश आ रहा है. ये लुक एट दिस. तो दैट्स इट्स अ वेरी, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय एंड पीस इन टू माई ड्रॉइंग रूम. तो हाँ, ये बहुत ही क्यूट आया था. और आई जस्ट शो यू गाइज हाउ टॉल हैज इट ग्रोन. लुक एट दिस, मेरी हाइट से ज़्यादा हो चुका है ये. ऑलराइट यू गाइज, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हो गई है. फॉर दी दैट थिंग जो मैंने ऑर्डर किया क्लॉथ हैंगर, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं वो वाला रखूँगी या फिर आई ऑर्डर दी अदर वन जो ब्रॉड वाला है. सो ऑन दैट मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ. बट या, बट द क्वालिटी इज़ अमेजिंग नन द लेस. आई विल स्टिल टैग नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देखना होगा. क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है वुड की भी. तो दैट्स दैट. और अब मुझे लंच की प्रेपरेशन करनी है एंड आफ्टर दैट वंस आई एम डन विद दैट द नेक्स्ट फेज ऑफ माई डे विल स्टार्ट. जहाँ पे आई हैव टू गो पिक द लिटिल वन एंड देयर आफ्टर फोकस ऑन दोज थिंग्स. सो या, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. आई एम अ लिटिल ड्राउजी ऑल्सो, थोड़ी नींद भी आ रही है विद द ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग. सो दैट ऑल्सो आई सी इफ आई कैन स्क्वीक इन सम टाइम और फॉर द नैप. सो या, एंड I really get very happy every time somebody watches the vlog and then comments down below. Also, whenever you subscribe, it is very encouraging for any creator, you know, that you're liking our content. Thank you so much for watching the vlog. I'll see you very soon in my next one. Take care of your mental health. Bye-bye.